राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रदेश के सबसे बड़े एजुकेशन और करियर फेयर एजुफेस्ट 2023 का आज दूसरा दिन है। फेयर का आयोजन जयपुर के मानसरोवर अरावली मार्ग शिप्रापत स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में किया जा रहा है। 19 से 21 मई तक आयोजित एजुफेस्ट का समय सुबह 11:15 से 8 बजे तक रहेगा। बता दें कि एजुफेस्ट का शुक्रवार को आगाज हुआ था। राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चीफ मेंटर डॉक्टर सुधांशु ने फेयर का उद्घाटन किया था। एजुफेस्ट में छात्रों को करियर और एडमिशन के सवालों का जवाब मिल रहा है। यहां विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। फेयर में देश की नामी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। RBSE के रिजल्ट्स घोषित हुए हैं और उससे पहले CBSE के रिजल्ट्स ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं, तो बच्चों के लिए जो 12th क्लास के बाद में अब करियर में ऑप्शंस सेलेक्ट कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है, उनके लिए इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं है। और ये आखिरी मौका है राजस्थान के बच्चों के लिए कि वो एक ही छत के अंदर पूरे देश भर से आई हुई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक्सप्लोर करें कि उनको किस टाइप का करियर चूज़ करना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जयपुर राजस्थान ही नहीं, पूरे देश से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आई हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए काउंसलर्स अवेलेबल हैं। पत्रिका का जो एजुकेशन फेयर है ये बच्चों के लिए इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th के रिजल्ट सारे आउट हुए हैं अभी और आगे उनको डिफरेंट कैरियर्स में जाना है, तो कौन कौन से कैरियर्स अवेलेबल है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस है, ये सारी के सारी चीज़ें इनको इस फेयर में देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, कोचिंग्स के, प्रोफेशनल कोर्सेज के, सब तरीके के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ अवेलेबल है, तो बच्चों को आराम से वो समझा सकते हैं और उसके वजह से बच्चे के लिए कैरियर चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पत्रिका ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल कर रहा है जो बच्चों के लिए बेनिफिट में है और जो ये सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए बेनिफिट में है।